हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कोई नंबर है जिसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया जाए एंड मल्टीप्लाई बाय द रिजल्ट बाय 1/2, जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका आंसर 1/8 आता है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा नंबर हमसे पूछा गया है तो मैं मान लेता हूँ लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, जो नंबर जो हमें नंबर चाहिए वो हमारा नंबर एक्स होगा। फिर मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा मैं क्वेश्चन बोला गया हम वैसा फॉलो करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, उस नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। चलो जी, मैंने कर दिया। फिर बोला गया जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1/2 के साथ, तो जो 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया तब हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो 1/8 आता है, तो बताओ वो नंबर क्या होगा। जैसे सिचुएशन बोली थी वैसे मैंने बना ली। इसके बाद देखो क्या करना है आपको, ये मल्टीप्लाई में नंबर है, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का नंबर बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड का कोई नंबर दूसरी तरफ जाता है तो मल्टीप्लाई में, प्लस वाला माइनस में एंड माइनस वाला दूसरी तरफ जाता है तो प्लस में, तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 2 1 2 2 4 8 हुआ हमारा। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1/4। आने के बाद माइनस का 1/2 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/2। ठीक, अब 1/4 एंड 2 दोनों का मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम 2 2 4 2 1 2 2 1 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 4, तो एलसीएम लेके मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, 4 में 4 का डिवाइड दिया, 4 1 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ, 2 में 4 का डिवाइड दिया, 2 2 4 2 आया, मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले के साथ, 1 1 1 2 1 2 अपॉन में 4, तो हमारा जो आंसर होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 3/4। हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमारा होना चाहिए वो नंबर एक्चुअल में कितना होगा 3/4 होगा, जिसके साथ इस तरीके से स्टेटमेंट की जाएगी तो आंसर 1/8 आएगा। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बोले द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग इज 154 मीटर है, कोई हमारा स्विमिंग पूल है जिसका पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर होता क्या है, जो ये आउटलाइन होती है इस आउटलाइन को कहते हैं पैरामीटर। इस पूरे की लंबाई है 154 मीटर, लेंथ जो है वो 2 मीटर ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। दोबारा ध्यान से सुनो, लंबाई 2 मीटर ज़्यादा है किसकी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा। मैंने मान लिया अगर मेरी ब्रेथ जो है वो एक्स है तो लंबाई कितनी होगी, ट्वाइस बोला है, ट्वाइस का मतलब ये 1x है तो इसको 2x कर दो। मोर वर्ड यूज़ करें, मोर यूज़ करें या इंक्रीज वर्ड यूज़ करें तो प्लस करना होता है, 2 गुना 3 गुना ट्वाइस थ्राइस इनमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते ट्वाइस हो गया, ज़्यादा बोला है प्लस 2 कर दिया, ब्रेथ भी आ गई लेंथ भी आ गई। अब हमें बताना है इसकी एक्चुअल में, ये तो मैंने एक्स की टर्म में बताई है, एक्चुअल में इसकी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल, ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स मीटर मान लिया, तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी है इसकी ट्वाइस यानी कि 2x, 2 ज़्यादा प्लस में 2, ये हमारी लेंथ आ गई और ये हमारी ब्रेथ आ गई, दोनों आ गई। हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसका पैरामीटर दे रखा है स्विमिंग पूल का यहाँ पे, तो हमें स्विमिंग पूल का पैरामीटर दे रखा 154 मीटर है, तो ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस में बी, ये इसका फॉर्मूला होता है पैरामीटर निकालने का। तो मैंने 2 लिखा, लेंथ हमने कितनी निकाली इसकी 2x प्लस में 2, ब्रेथ हमारी कितनी है x है यहाँ पे, इज इक्वल टू 154 आ गया। देखो ये मल्टीप्लाई में 2 है, दूसरी तरफ आएगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 2x और 1x कितना हुआ 3x प्लस में 2, 3x प्लस में 2, 154 में 2 का डिवाइड दिया कितना है 77, पॉजिटिव का 2 दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का, ये हमारा है 75 इज इक्वल टू 3x, मल्टीप्लाई में है 3 इसमें आ जाएगा डिवाइड में 75 डिवाइड बाय 3, 3 2 6 3 5 15,
यानी हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी निकल गया यहाँ पे 25 मीटर। जो ब्रेथ होगी जो मैंने एक्स मानी थी वो एक्चुअल में कितनी होगी 25 मीटर होगी, और जो लेंथ होगी जो हमारी कितनी मानी थी हमने 2x+2, एक्स की जगह रख दो यहाँ पे 25 + 2, 25 × 2 = 50 प्लस में 2, दोनों को जोड़ा 52 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ होगी हमारी और ये ब्रेथ होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल इज 4/3। आइसोसेलस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो हमें बोला है इसका जो बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर है। पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग 2 इक्वल साइड। बाकी की जो दोनों इक्वल साइड है ना, इनका हमें बतानी लेंथ कितनी होगी। दोनों इक्वल है, मैंने लिख दिया ए बी सी, इक्वल है पता नहीं कितनी है। मैंने इसे मान लिया एक्स मान लिया और इसे भी क्या मान लिया एक्स मान लिया, इक्वल है। दोनों सेम की सेम ही होंगी, दोनों बराबर होंगी। लेट इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी, इक्वल साइड की हमने मैंने इसकी एक्स मान ली यानी कि ए बी और ए सी दोनों हमारी एक्स है, और इसका जो बेस है हमें क्वेश्चन में गिवन है बी सी जो कि 4/3 सेंटीमीटर है। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है इसका जो पैरीमीटर है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो कितना गिवन है 4 × 2/15 सेंटीमीटर। पैरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का सम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। नॉर्मल करते इसको मिक्स फ्रैक्शन को, 15 × 60, 60 में 2 जोड़े 62/15। ए बी कितना है एक्स, ए सी भी एक्स है, ये हमारा 4/3 है, 62/15। 1x कितना हुआ 2x, प्लस का 4/3 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 15 और 3 दोनों का लिया जाए एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 3 का डिवाइड जा रहा है 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 5 का डिवाइड 5 × 1 = 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 3 × 5 = 15। तो यहाँ एलसीएम लिया मैंने 15, 15 का पढ़ा 15 तक पढ़ा, 15 × 1 = 15 मल्टीप्लाई 62 के साथ, 3 का टेबल 15 तक पढ़ा, 3 × 5 = 15 मल्टीप्लाई 4 के साथ, 62 × 1 = 62, 5 × 4 = 20, यहाँ 20 लिख दिया अपॉन में 15, माइनस करेंगे तो ये 42/15 आ जाएगा। दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15। यहाँ पे हमारा 2x है, मल्टीप्लाई में 2 है, किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 है डिवाइड में आ जाएगा, 2 में इसका डिवाइड दे 2 × 7 = 14। तो यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/5 आ गई निकल गई। ठीक है, हमारी जो इक्वल साइड होगी 7/5 होगी। इसको अगर मिक्स में बनाएं तो कैसे बनाएंगे, 5 × 5 = 5, 2 बच गया, तो यहाँ पे 1 जो नीचे 2 बचा वो ऊपर, इसका डिवाइड दिया वो नीचे, ये हो जाए कि हमारी इसकी इक्वल साइड दोनों की दोनों यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों साइड होंगी इसकी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।